जब से पृथ्वी पर मानव सभ्यता आई है तब से लेकर आज तक लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि पृथ्वी का अंत कैसे होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे पांच ऐसे तरीके जिनसे पृथ्वी का अंत अगले 100 सालों के अंदर हो सकता है। नंबर 1, एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट। हमारी पृथ्वी पर एस्ट्रॉयड कभी भी गिर सकता है। हॉलीवुड मूवीज में ऐसे काफ़ी बार दिखा भी चुके हैं। माना जाता है कि डायनासोर का अंत भी एक बड़े एस्ट्रॉयड के गिरने की वजह से हुआ था। ये मायने नहीं रखता एस्ट्रॉयड जमीन पर गिरता है या पानी में। जब हमारी पृथ्वी पर एस्ट्रॉयड गिरेगा तो उसकी टक्कर से हमारे वायुमंडल में इतना धुआं और मलबा इकट्ठा हो जाएगा कि एक साल तक पृथ्वी पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी और धरती पर सारे पेड़ पौधे ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंसानियत भी ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2, जियोमैग्नेटिक रिवर्सल। हमारी पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव जब कमज़ोर पड़ जाते हैं तो अपनी जगह आपस में बदल लेते हैं और ये घटना हर 5 लाख साल में एक बार होती है। हाल ही में शोध से पता चला है कि हमारा उत्तरी ध्रुव कमज़ोर पड़ रहा है, वो भी बहुत तेज़ी से। अगर ये घटना होती है तो पृथ्वी पर सोलर रेडिएशन की मात्रा बढ़ जाएगी, कॉन्टिनेंट्स अपनी जगह से खिसकने लगेंगे, तापमान में भी भारी बदलाव आएगा और पृथ्वी इंसानियत के ख़त्म होने के कगार पर पहुँच जाएगी। नंबर 3, सुपर वॉल्केनोज। एक सुपर वॉल्केनो सामान्य वॉल्केनो से 1000 गुना शक्तिशाली होता है। इस बात से आज बहुत लोग चिंतित हैं कि क्या होगा अगर सुपर वॉल्केनो फट जाए। वैज्ञानिक इस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं कि अगर सुपर वॉल्केनो फटते हैं तो पृथ्वी को कितना नुकसान पहुँचेगा। ये किसी भी वक्त फट सकते हैं और इससे बचने के लिए हम ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। इन वॉल्केनोज के फटने से जो लावा निकलेगा उनसे आसपास के शहर बिल्कुल तबाह हो जाएंगे और जो राख निकलेगी उससे पृथ्वी का पूरा वायुमंडल जहरीला हो जाएगा। यहाँ तक कि पूरी पृथ्वी का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा और पृथ्वी पर पेड़ पौधे जानवर और मनुष्य सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। नंबर 4, ग्लोबल वार्मिंग। आप सबको पता है कि विश्व का तापमान बढ़ रहा है प्रदूषण की वजह से। अगर प्रदूषण इस कदर बढ़ता रहा तो पृथ्वी का तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, जिससे समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि पृथ्वी पर बहुत भयंकर बाढ़ें आने लगेंगी। समुद्र के पास मौजूद सारे शहर तबाह हो जाएंगे और अगर हमारा इकोसिस्टम कोलैप्स हो गया तो पृथ्वी पर कोई भी इंसान नहीं बचेगा। नंबर 5, वर्ल्ड वाइड इन्फेक्शन। बैक्टीरिया और वायरसेस भले ही बहुत सूक्ष्म होते हैं लेकिन इनमें पूरी इंसानियत को ख़त्म करने की शक्ति होती है। जो एंटीबायोटिक्स इंसान यूज़ कर रहा है वो केवल 99% बैक्टीरिया को ही मारता है और जो 1% बच जाते हैं वो म्यूटेट करके और शक्तिशाली हो जाते हैं और फिर इन्हें मारना नामुमकिन हो जाता है। 13वीं शताब्दी में जो यूरोप में ब्लैक प्लेग आया था उसमें करोड़ों लोग मारे गए थे और अगर ऐसा ही कोई इन्फेक्शन पूरे विश्व में फैल गया तो ये पूरी इंसानियत का भी खात्मा कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त प्रशांत कुमार। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ध्यान रहे, अगर आप पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोबारा सब्सक्राइब बटन को ना दबाएं।